तेरे घर में भगवान विष्णु ने पुत्र रूप में अवतार लिया है। जब शंकर भगवान ने ऐसा कहा, भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए। प्रभु तू खरा था परे डाला है। बोले शंकर भगवान, अरे प्रभु तुमने तो मेरा भांडा फोड़ दिया। मेरी माता यशोदा को बता दिया कि मैं भगवान हूँ। अब माता यशोदा मेरी पूजा करेगी, आरती करेगी। प्रभु मैं माता यशोदा से पूजा आरती करवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं माता यशोदा की ममता प्रेम और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। भक्तों भगवान भी कहते हैं, अगर मुझे मृत्यु लोक में आना होता तो मैं ऐसे भी आ जाता, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैंने माता पिता का सहारा क्यों लिया? क्योंकि अगर मुझे माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता तो इन बड़े बड़े राक्षसों का वध मैं कर ही नहीं सकता। मैंने नहीं, ये मेरे माता पिता के आशीर्वाद ने किया है। आजकल लेंदा कोई माता पिता का आशीर्वाद ब्यातिवाद छोड़े बन ले लड़ू फड़ बोले शंकर भगवान। हाँ चल मुझे भी आजकल कर और गए चाहे ले तो नौ आठ सिरा प्यारा पूजी के प्यारे मन देनी है। बोले शंकर भगवान। तो एक कुछ बातें सीख लेती है। मैं रोज कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी से प्रेम करो, पत्नी से भी प्रेम करो, लेकिन सबसे भी प्रेम करो। बोले शंकर भगवान। और भगवान श्री कृष्ण ने योग माया शक्ति का ध्यान किया देवी आज, और मेरी माता यशोदा ने जो शंकर भगवान के मुख अरविंद से सुना उसको मेरी माता यशोदा भूल जाए और माया की कृपा से माता यशोदा सब भूल गई। भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन किया और अपने कैलाश में चले गए। लेकिन राजा कंस को भय लगा है, मुझे मारने वाला किधर गया। बुरी बांके बिहारी लाल कंस ने क्या किया, मथुरा में एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। ये पूतना कौन है? जब प्रभु ने 7 वर्ष का वामन अवतार लिया था, अवतार क्यों लिया प्रभु ने? दैत्य राज बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अगर उस यज्ञ को दैत्य राज बलि कर लेते तो स्वर्ग के ऊपर हमेशा के लिए दैत्यों का राज्य हो जाता। उसमें बाधा डालने के लिए प्रभु ने कश्यप ऋषि और अदिति के घर में 7 वर्ष का वामन अवतार लिया। दैत्य राज बलि के घर चले गए, यज्ञ लगा होता है। राज बलि की एक पुत्री है रतनमाला। जैसे ही रतनमाला ने भगवान का सुंदर रूप देखा, विचार करने लगी, अगर मेरा पुत्र होता तो मैं अपना दूध पिलाती। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने दैत्य राज बलि से 3 पग भूमि मांगी, 1 पांव से सारी पृथ्वी माप दी, दूसरे से आसमान, तीसरा पांव जैसे ही दैत्य राज बलि के सर के ऊपर रखने लगे, रत्नमाला ने विचार किया, अगर मेरा पुत्र होता तो जहर देकर ही मारता। भगवान ने कहा, माते दोनों इच्छाएं एक दिन पूरी कर दूंगा। आज वो रत्नमाला उतना बन करके मथुरा में आई है, अपने स्तनों में काल कूट जहर बन लिया। भगवान को दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी। भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं। और पूतना ने क्या किया, बड़ा भारी सुंदर देवी का रूप बनाया, राक्षसी का रूप अंदर छुपा लिया। इसी बात को मैं सबको समझाना चाहता हूँ, किसी का सुंदर रूप देख के प्रेम मत करना, अंदर पूतना भी हो सकती है। बोलिए शंकर भगवान। फिर पूरे टबरा जो जाए 21 जोनी और पूतना ने देवी का रूप बनाया, हाथ में सितार लेकर के मधुर मधुर गान करती जा रही है, बालकों की हत्या करती जा रही है। बोले बांके बिहारी लाल। नंद बाबा के आंगन में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया, मेरी माता आ गई, अब मुझे दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज पूतना आई है, क्योंकि भगवान कहते हैं जब पूतना होगी ना तब पूरा टप्पर होगा। फिर बोले शंकर भगवान, पूतना ते जान छुड़वानी बड़ी मुश्किल, कम्मा जो बोलो जितना झेल ना जाओ। हाँ ऐसा करती है, मेरे घर में पुत्र नहीं है, क्योंकि पूतना पहले
माता को डांटती है जबरी हरी बारी होती पहले बोले शंकर भगवान अब तुझे बच्चे रखने नहीं आती। अब माता यशोदा ने भी सोचा कोई सखी आ गई कन्हैया को उठाने की थी पहुंचाएगा वही हुआ। जैसे कि पुत्रा ने भगवान श्री कृष्ण को उठाया भगवान ने रोना बंद कर दिया क्योंकि भगवान कहते हैं जब पुत्रा उठाती है तेरी जवान बांधी हुई है। बोले शंकर भगवान फिर निकला इस राज पुत्रा भगवान को लेके गौशाला में चली थी और अपना स्तन भगवान श्री कृष्ण के मुख में डाल अब पुत्रा के स्तनों में दूध लगी थी जहर भी भरा भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया आंखें बंद कर ली और भोलेनाथ का ध्यान किया। Yeah.